हिंदी फिल्मों में जिस जमाने में अभिनेत्रियां सलवार सूट पहनकर अभिनय किया करती थीं, उस समय परवीन बाबी ने अपने बोल्ड अंदाज से तहलका मचा दिया था। उनकी गिनती 70 के दशक की उन अभिनेत्रियों में होती थी जिन्होंने अपने ग्लैमर से लोगों के होश उड़ा दिए थे, लेकिन उनकी मौत आज भी एक पहेली है। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। पहली बार परवीन बाबी को क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में रिलीज हुई फिल्म चरित्र में मौका मिला, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इस दौरान परवीन का नाम डैनी डेंजो गपा से जुड़ा, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके बाद उनकी जिंदगी में कबीर वेदी आए और लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली और अंत में परवीन महेश भट्ट के साथ भी 3 साल तक रिलेशनशिप में रही। इस दौरान उन्हें एक गंभीर मानसिक बीमारी हो गई और इसी के चलते 22 जनवरी 2005 को परवीन बाबी अपने घर में मृत पाई गयी। कहा जाता है कि परवीन की तन्हाई ही उनकी मौत का कारण बनी।